हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू मर्जर एंड एक्विजिशन का लेक्चर नंबर थ्री होगा जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट तो मर्जर एंड एक्विजिशन स्टार्ट करेंगे आज क्लास अच्छा इन द प्रीवियस क्लास आपको अगर याद हो मर्जर एक्विजिशन में सबसे पहला क्या कैलकुलेट करते हैं एक्सचेंज रेच उसके बाद नेट प्रॉफिट फिर इक्विटी शेयर्स और इक्विटी शेयर्स मिलने के बाद आप नेट प्रॉफिट के पहले इक्विटी शेयर्स भी फाइंड कर सकते हो नेट प्रॉफिट करके ईपीएस फाइंड उसके बाद जो इसका रिक्वायरमेंट रहेगा क्वेश्चन का वो चीज पे आप फोकस करने वाले ठीक है क्या देखते इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है सोनल इंडस्ट्री लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू टेक ओवर ऑफ मुनल लिमिटेड द अर्निंग नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विडीश एंड पी रेशियो ऑफ द कंपनी आर एज फॉलो सोनल लिमिटेड इंडस्ट्री जो है ये किस को टेक ओवर करने वाली है मोनल तो एक्वायर acquire और कंपनी मतलब कौन सा एनी वन सोनल एक्वायरिंग है और acquired, ये तो समझ में आ जाना चाहिए ठीक है अब इनका इन्फॉर्मेशन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है अर्निंग्स दिया है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिया है ईपीएस दिया है पीई दिया है पी दिया है तो पी से एमपीएस तो आ ही सकता है हाँ या नहीं व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच कंपनी बिफोर मर्जर पहला वही पूछा है एक्सचेंज रेशों का बात भी नहीं किया जिक्र भी नहीं है इसका मतलब यह है दादा अपने को सबसे पहला एमपीएस फाइंड करना है और एमपीएस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या दादा पी इंटूपीएस EPS या EPS into P, दोनों चलेगा तो फॉर्मूला फॉर एमपीएस पी इंटूपीएस बिफोर मर्जर पी मतलब प्राइस अर्निंग कितना दिया हुआ है प्राइस अर्निंग सोना लिमिटेड का टेन और ईपीएस कितना है टू टेन इंटू टू कितना हो जाएगा ट्वेंटी तो ये हो गया मार्केट प्राइस ऑफ सोना लिमिटेड बिफोर मर्जर एंड मोनल लिमिटेड के लिए प्राइस अर्निंग था फाइव और ईपीएस है वन तो फाइव इंटू वन कितना हो गया फाइव ये मुझे मिला एमपीएस पर मुझे पूछा गया है मार्केट वैल्यू ऑफ ईच कंपनी मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे तो जितने भी शेयर्स है उसको हम मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सोनल और दस दस लाख प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स बीस इंटू दस यानी टू करोड़ एंड फाइव इंटू टेन मतलब इधर एक्सचेंज का कोई काम था क्या पहला वही चीज पूछा आगे बोला सपोज द मैनेजमेंट ऑफ सोनल लिमिटेड सोनल इंडस्ट्री एस्टिमेट दैट द शेयर होल्डर्स ऑफ मोनल इंडस्ट्री विल दे दिया है। क्या बोला है कि भाई सपोज करते हैं कि सोनल लिमिटेड जो इंडस्ट्री है वो क्या करी मोनल को टेक ओवर करने वाले है। तो उसके जो शेयर होल्डर्स है शेयर होल्डर्स ऑफ मोनल इंडस्ट्री विल एक्सेप्ट एन ऑफर ऑफ वन शेयर कितने शेयर मिलेंगे एक शेयर मिलेंगे कितने shares है तो अगर चार शेयर्स है तो कितने शेयर्स मिलेंगे एक शेयर्स मिलेंगे समझ में आया एक शेयर किसका सोनल का किसको मिलेगा मोनल को कब मिलेगा जब उनके पास कितने शेयर होंगे चार ये मेरा एक्सचेंज रेशो है एक्सचेंज तो, रेश को कहते हैं ऑफर प्राइस ऑफर प्राइस कहते हैं तो, यहाँ पे एक्सचेंज रेशन इज टू फोर चार शेयर है तो कितने शेयर मिलेंगे मोनल के पास कितने शेयर्स है दस लाख के बदले में कितने शेयर्स मिलेंगे ढाई ढाई शायद दो लाख पचास बराबर नंबर ऑफ शेयर्स मिल गया ये मिल गया है, नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट तो ये पीस, इतना तो करना ही है एक्सचेंज रेश तो आगे का प्रोसेस आपको मालूम नेट प्रॉफिट निकाल लेता हूँ बीस और दस तीस लाख बराबर है पहले था सोनल के पास दस लाख और आया ढाई लाख दस और ढाई साढ़े बारह लाख नेट प्रॉफिट है तीस डिवाइड बाय ट्वेल लाख फिफ्टी थाउजेंड ईपीएस मिल जाएगा आपको कितना देखो जरा कितना आ रहा है टू पॉइंट फोर यहां तक क्लियर हुआ ट्विस्ट टन यहीं पे है थोड़ा ध्यान दें ऑफर सोनर मोनल लिमिटेड जो भी बोला है इफ देर इज नो सिनर्जी इफेक्ट वॉट इज द मार्केट वैल्यू मर्जर वॉट इज द मार्केट वैल्यू पोस्ट मर्जर ऑफ सोनल लिमिटेड का पोस्ट मर्जर के बाद मार्केट वैल्यू क्या है वो पूछा है वॉट इज द न्यू प्राइस पर शेयर आर द शेयर होल्डर ऑफ सोनल बेटर और वर्स ऑफ देन देवेर बिफोर द मर्जर क्या सोनल लिमिटेड पहले से अभी कंपेयर में अच्छा है या वर्स है वो भी हमको बता मतलब इसी क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें सबसे पहला पोस्टमर्जर मार्केट वैल्यू न्यू मार्केट प्राइस पर शेयर एमपीएस है क्या शेयर होल्डर को प्रॉफिट हो रहा, या हो रहा? ये भी तीन एक साथ है किया e, uh, -E -E तो था आपने बट ध्यान में रखना पोस्टमर्चर पोस्टमर्चर ठीक है चल एमपीएस आफ्टर मर्जर ऑफ सोनल लिमिटेड इंडस्ट्री विल बी पी ईपीएस पी कितना था सोनल लिमिटेड का दस था प्री पोस्ट में उनका प्राइस अर्निंग तो सेम ही रहेगा बदलेगा किसका मोनल का इसका बदलने वाला है क्या नहीं क्योंकि तो जब इसके कंपनी में था तो फाइव टाइम्स कमा रहा था अब मैं इसके साथ मर्ज हो जाऊंगा तो मेरा पी ही बदल जाएगा मेरा मतलब मोनल का लेकिन सोनल का बदलेगा क्या नहीं तो यहां पे आ जाएगा टेन इंटू टू पॉइंट फोर टू पॉइंट फोर कहा टेन कहां से आया सर ठीक तो यहाँ पे एमपीएस मिल गया बराबर है मोनल लिमिटेड का मार्केट प्राइस कितना होगा कितना होगा पंद्रह दस बीस पांच पंद्रह होगा ओके okay. चलो लगा दे सट्टा कितने पे आंसर आता है एमपीएस आफ्टर मर्जर फॉर मोनल क्या रहेगा क्या कहते हो क्या रहेगा हाँ बोलो आपके सामने सब चीजें ये ट्विस्ट है इस सम का यही छोटा सा एक चेंजेस आने वाला कितना है विधि करो कितना आ रहा है हाँ शायद से बराबर ही आप करो ना फाइव इंटू टू पॉइंट फोर बारह बारह आ रहा है क्या बात है आपके हिसाब से बारह सेम सर वही नहीं थर्टी सिक्स कैसे दादा किसको पंद्रह से किया तो दोनों को प्लस कर दिया पंद्रह कर दिया क्या बात और अब जरा ध्यान जब मैंने मोनल लिमिटेड को टेक ओवर किया तो उसका प्राइस अर्निंग में क्यों टेक ओवर करूंगा करूंगा क्या प्राइस अर्निंग मतलब उसके शेयर होल्डर को उतना कमाई हो रहा था उनके शेयर के ऊपर अब जो भी मेरा रेशियो है उसी बेसिस पे मैं इसका मार्केट प्राइस निकालूंगा तो यहां पे चेंज हो रहा है फॉर्मूला एमपीएस फॉर मोनल लिमिटेड आफ्टर मर्जरा इसके पहले कभी ऐसा सम नहीं था कभी ऐसा नहीं आया था एमपीएस किया है ratio, is to 4, is to का मतलब क्या हुआ जीरो पॉइंट टू फाइव तो जो भी मेरा एक्सचेंज रेशियो होगा इन टू एमपीएस ऑफ पोस्ट मर्जर जैसे यहां पर आपने क्या लिखा था टू पॉइंट फोर तो एक्सचेंज रेशियो इन टू एमपीएस नहीं यहां पर ईपीएस प्रिंटिंग ईपीएस ऑफ पोस्ट जर आएगा ओके एक्सचेंज रेशियो कितना चल रहा है मेरा वन फोर वन डिवाइड करो कितना आ रहा है टू फाइव जीरो अरे सॉरी टू पॉइंट फोर नहीं यही एमपीएस ईपीएस नहीं बराबर लिखा है एमपीएस ऑफ पोस्ट मर्जर कितना है ट्वेंटी फोर ये कितना आ रहा है देखो जरा कैलकुलेट करो तो जो भी इनका एमपीएस आया है किसका सोनल का उसका जो एक्सचेंज रेशियो है उससे हमने मल्टीप्लाई किया और वही इसका क्या बन गया है मार्केट प्राइस किसके लिए मोनल लिमिटेड के लिए तो मोनल लिमिटेड का पहले फाइव इंटू वन अगर मैं देख रहा तो मार्केट प्राइस पांच चल रहा था आज मोनल लिमिटेड को कितना मिल जाएगा जीरो पॉइंट छ वापस 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 एक बार आप करते हैं ऐसे फाइव टाइम्स से मल्टीप्लाई कर फाइव टाइम्स इंटू ये करते आपको आ रहा था बारह आप यही करते ना जो इस एस पर दिस

समझा इसलिए उसका प्राइस कितना है अभी छ अभी भी बाउंसर गया तो दूसरा तरीका पक्का हंड्रेड परसेंट क्या वापस एक बार एक बार और एक बार और नहीं समझा नहीं समझा एक बार और फिर से समझ गया समझ गया समझ गया ट्वेंटी फोर नहीं समझा नहीं समझा वापस एक बार नहीं समझा नहीं समझा दादा पहले जानवी को समझा जानवी को पूछता हूं शेट्टी जानवी क्या समझा दे गो? बता क्या समझा दे मैं करूंगा दूसरे तरीके से तू बता दे क्या समझ सिंपल भाषा और कोई इजी वे कहा गया था चार शेयर्स है तो कितने शेयर्स मिलेंगे हाँ या नहीं चार शेयर्स है तो एक शेयर मिलेगी ये हमने रेशियो रखा था मतलब मोनल को बोलते चार शेयर है तो चार शेयर का कीमत जो भी रहेगा मेरे कंपनी में उसका एक शेयर का कीमत रहेगा सिंपल तो वही है हा या नहीं बात समझ में आया चार शेयर्स है तो उसका एक कीमत है यही बोला गया आज पोस्ट वर्जर मेरे शेयर का कीमत कितना है मेरा मतलब किसका सोनल। तो उसके कितने रहेंगे हमको वही निकालना है तो एज पर दिस रेशियो मुझे मेरे कंपनी में उसके शेयर्स का वैल्यू क्या है वो निकालना है मेरे मतलब सोनर के लिए मोनर के लिए नहीं क्लियर हाँ तो मैंने किया चौबीस रुपए मेरे शेयर का वैल्यू है तो कितना उसका मार्केट प्राइस तो मैंने किया ट्वेंटी फोर इंटू वन डिवाइडेड बाय फोर विच इज इक्वल टू अभी भी बाउंसर जा रहा है समझा और ये वन पॉइंट फोर नहीं समझा तो वन पॉइंट फोर का रेशियो क्या है जीरो पॉइंट टू फाइव वन डिवाइड बाय फोर करो जीरो पॉइंट टू फाइव आएगा वो है तो उस रेशियो में इसमें से उसका किसमेंट फाइव परसेंट वैल्यू किसका रहेगा रहे तो मतलब छह रुपया उसके शेयर का कीमत है क्योंकि मेरा एक्सचेंज रेशियो वो चल रहा है अभी क्लियर है पक्का चलिए ठीक यहां तक कंप्लीट कर लिया अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ द कंपनी किसका सोनर का और सोनर के पास मर्जर कितने से? देखो ज़रा दस लाख है ना प्री मर्जर मार्केट प्राइस कितना था प्री मर्जर मार्केट प्राइस सोनर का कितना वैल्यू था बीस। दस इंटू ट्वेंटी फोर कितना चौबीस लाख मतलब चौबीस नहीं दो करोड़ चालीस दो बराबर है टोटल चालीस लाख का फायदा हुआ उसके खुद की कंपनी में अब मोनल को भी तो टेक ओवर किया उसने तो मोनल के पास प्री मर्जर शेयर्स कितने थे दस और उनका मार्केट प्राइस क्या चल रहा था पचास लाख आज वही शेयर्स का मार्केट में भाव कितना हो गया है? रुपया हो गया है। समझ में आया? इधर चेंजेस क्या हुआ तो फायदा हुआ क्या नुकसान समझा पोस्ट मर्जर एंड सिर्फ न्यू कंपनी के लिए सोनल के लिए कैलकुलेशन था ये ऐसे ट्विस्ट से नेक्स्ट सपोज दैट बिकॉज मैनेजमेंट ऑफेड 10%. मर्जर के बाद कुछ सारे चेंजेस आने वाले तो में क्या होने वाला कि अर्निंग दस टका बढ़ जाएगा अगर प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो वॉट इज पोस्ट मर्जर एंड प्राइस पर शेयर आर द शेयर होल्डर बेटर और वर्स ऑफ देन बिफोर दे वेयर मतलब वापस से पूरा चीज सॉल्व करने बोल रहे क्या लेकिन चेंजेस करने बोल रहा है प्रॉफिट कितना बढ़ाने बोल रहा है पहले दोनों का प्रॉफिट कितना था बीस और दस तीस लाख अब दस लाख बढ़ जाए सॉरी दस परसेंट बढ़ जाएगा तीस लाख का दस परसेंट मतलब थर्टी थ्री लैक्स हो जाएगा शेयर्स बढ़ेगा क्या एक्सचेंज रेशियो तो वही रहेगा क्योंकि एक्सचेंज रेशियो के बारे में कुछ बात भी नहीं किया उसने तो हम वही एक्सचेंज रेशियो के हिसाब से नया शेयर्स मेरे पास तो इतना ही रहेगा बराबर तो प्रॉफिट आएगा थ्री लाख थर्टी थाउजेंड सॉरी थर्टी थ्री लैख डिवाइड बाई ट्वेल्व लाख फिफ्टी थाउजेंड बराबर ना डिवाइड करो कितना आ रहा है 6, इसे कहते पोस्ट मर्जर समझा हाँ, प्राइस पर मतलब एमपीएस वो भी पोस्ट मर्जर सेम बराबर अरे हाँ सोना लिमिटेड के पास प्री मर्जर कितने शेयर्स थे पोस्ट मर्जर अब कितना हो गया 26.4 हुआ ना कितना हुआ समझ में आ गया डन विद इट सब एनी डाउट क्लियर समझा चीजें वही है प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग हो रहा है मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल रहा है करना तो पूरा सब वैसा ही है कांसेप्ट एक ही है इनके साथ ही घूमने गए 26.4 कैसे आया EPS था टू पॉइंट सिक्स फोर प्राइज अर्निंग था दस जैसे यहाँ पे वैसे सेम एस फाइन किया ठीक है और कुछ क्लियर जा सकता है चलो नेक्स्ट सम की तरफ जानते हैं ये तो बहुत सिंपल सा सम है याद है मार्केट प्राइस मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब मार्केट वैल्यू प्राइस अर्निंग ऑफ ए लिमिटेड चेंज टू सेवन पॉइंट फाइव मार्केट प्राइस सिर्फ मार्केट प्राइस मार्केट प्राइस मार्केट प्राइस अभी तक कहीं पे भी एक्सचेंज नहीं बोला डज मार्केट वापस मार्केट वैल्यू वॉट वुड बी द एक्सचेंज बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू पहले मार्केट प्राइस फाइन कर लो तो ये एक्सचेंज मिलने वाला क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दिया ही नहीं अपने को सबसे पहला मार्केट प्राइस फाइंड करना ईपीएस मालूम पी एस मालूम करोगे 5 करोगे पहला काम डन. धर्मेंद्र समझ में मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ इच कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन बराबर है मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब मार्केट वैल्यू 18.75 नंबर ऑफ शेयर्स कितना है इसके पास चार और इसके पास दो तो चार लाख से मल्टीप्लाई किया और इधर दो लाख से मल्टीप्लाई किया बराबर है अरे समझा डन विद द सेकंड क्वेश्चन थर्ड इफ पी ऑफ ए लिमिटेड चेंज टू 7.5 अगर ए लिमिटेड का पी 7.5 हो जाता है व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ ए लिमिटेड बताओ क्या करोगे क्या बात है कितना आ रहा है समझ में आ गया डज द मार्केट वैल्यू ऑफ ए लिमिटेड चेंज हाँ या नहीं तो कैपिटल से कर सकते हो या तो डायरेक्टली भी समझ में आ रहा है अठारह पॉइंट सेवन पॉइंट तो वो तो बदला ही है कितना बदला वो पूछा नहीं अगर पूछा है तो अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते जैसे 4 ,00, 4 ,00, था और ये उसका वैल्यू फिफ्टी सिक्स थाउजेंड और पहले उसका कितना था पचहत्तर लाख चेंज हुआ है। समझ में आया क्या अरे हाँ वॉट वुड बी द एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस अच्छा ए लिमिटेड का काल्कुलेशन दिखाया जो मैंने आपको बताया था पहले सेवेंटी फाइव अभी फिफ्टी सिक्स डिफरेंस निकाला है चेंज अठारह लाख जो अपन ने बोला था यह वाला अभी व्हाट वुड बी द एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस टेक रिवाइज प्राइस ऑफ ए लिमिटेड रिवाइज मतलब ये 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 पुराना है है और ये नया तो अपने को प्राइस लेके एक्सचेंज रेशियो निकालना है बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस तो मार्केट प्राइस ए लिमिटेड का तो ये कौन किस को टेक ओवर कर रहा है ए लिमिटेड इज कंसिडरिंग द एक्विजिशन ऑफ बी लिमिटेड ए लिमिटेड एक्वायर कर रहा है तो B, acquired है और एक्वायरिंग है तो एक्सचेंज बेस्ड ऑन फॉर्मुला है बराबर है B. Acquiring company कौन है A. तो B है कौन कौन तो का कितना है अरे का कितना है न्यू लेने बोला उसने ओल्ड नहीं तो फोर्टीन पॉइंट जीरो सिक्स टू फाइव करो कितना आ रहा है डन विथ बस क्लियर हुआ अभी है मर्जर एक्विजिशन इजी प्रैक्टिस चाहिए लेकिन करवाने में तो इजी लग रहा है पर प्रैक्टिस नहीं है तो फिर डिफिकल्ट है क्योंकि छोटा सा चीज है एकदम कोई लेजर कोई डेबिट कोई क्रेडिट कुछ नहीं है इसके अंदर कोई जनरल एंट्री का कंसेप्ट नहीं कुछ नहीं फॉर्मुला बेस्ड आपको करने क्लियर है क्या तो आज इतना ही करते हो वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो